और नेक्स्ट जो है वो हेल्थ क्वेश्चन है. हेल्थ क्वेश्चन इज हाउ मच आर यू अवेयर ऑफ योर फिजिकल कैपेबिलिटीज. आपके डॉक्टर ने अगर आपको एक्सरसाइज करना अलाउ किया है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सारा कुछ डॉक्टर से पूछ के करना है, जो भी खाना है, जो भी एक्सरसाइजेस करने हैं. तो आई वॉज फिट टू डू एक्सरसाइजेस, तो मैं योगा करती थी, प्राणायाम करती थी. आई यूज टू लव डूइंग एरोबिक्स. तो कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स है जो मैं फॉलो करती थी, आई लिंक दोज चैनल्स इन द डिस्क्रिप्शन. तो मैं वहाँ से एरोबिक्स, योगा और यू नो जुम्बा वगैरह करती थी, एंड बहुत बेसिक बेसिक करती थी. एंड आई एम टेलिंग यू, मैं जितना फ्लेक्सिबल मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे थी, जितना फिट मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे थी, उतना फिट मैं कभी भी नहीं थी, बिकॉज आई वॉज लिटरली डूइंग इट सो यू नो रिग्रेसली. तो बहुत मज़ा आ रहा था वो सारी. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग योगा एवरी डे एंड जुम्बा एवरी डे इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट टू गो फॉर वॉक्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आपके डॉक्टर को पूछ के आप अपने एक्सरसाइज या फिजिकल हेल्थ रिलेटेड सारी जो भी करनी है, क्लास ज्वाइन करना है या ऑनलाइन करना है, जो भी है, वो प्लीज़ आपके डॉक्टर को पूछ के ही करिएगा. देन नेक्स्ट इज फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. पहले के ज़माने में हम देखते थे somebody is pregnant and they are like you know making socks and sweaters. तो वो सारी चीज़ें क्यों करते थे? नॉट नेसेसरी हैव टू बिकम अ ग्रैंडमा, बट वो एक्टिविटीज से आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. यू आर ऑटो विजुअलाइजिंग एट दैट टाइम, एंड उस दौरान आप फोकस कर रहे हो क्योंकि वो एक्टिविटी के लिए अटेंशन लगती है. तो ऐसी कोई भी चीज़ें आप कर सकते हो, निप पेंटिंग है, क्रॉस स्टिच है, कुछ भी, एम्ब्रॉयडरी है, कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी यू नो रिपेयरिंग और मैकेनिकल स्टफ एज वेल, जिसमें फोकस लगे, जिसमें आपको यू नो अटेंशन 100% देना पड़े. तो इससे आपके बच्चे का भी जो ध्यान है, जो फोकस करने की क्षमता है, वो बढ़ सकती है. देन लर्न अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, एंड बेस्ट वे इज़ टू डू इज़ ज्वाइन अ क्लास, पिकअप एन ऑनलाइन कोर्स एंड स्टार्ट लर्निंग अ न्यू इंस्ट्रूमेंट. यू नो म्यूजिक इज़ द बेस्ट थेरेपी. मतलब म्यूजिक नहीं है तो लाइफ बिकम्स सो डल. आई होप एवरीबडी, आई नो एवरीबडी इज़ गोना अग्री ऑन दिस. तो म्यूजिक सीखिए, एंड इससे आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी बढ़ेगा और ऑफकोर्स आपकी मेंटल हेल्थ भी बढ़ेगी. यू आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि म्यूजिक कितना थेरेपेटिक होता है. तो एक थेरेपी के हिसाब से भी म्यूजिक सीखना या सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. लर्न अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, आर्ट और ड्राइंग करिए. आपको एक कोई एम एफ हुसैन बनने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आर्टिस्ट बनने की जरूरत है. जस्ट पिकअप एनी थिंग, एंड यू नो वी आर वेरी लक्की कि अभी यूट्यूब पे सारी चीज़ें ईजिली सिखाने में आती है. तो कोई भी एक आर्ट पकड़ लो, लीपन पकड़ लो या कुछ भी एक आर्ट पकड़ लो और उसको रोज करो. एक बुक शॉप में जाके यू नो कोई यू नो आर्ट एंड क्राफ्ट का किट ले लो, बुक ले लो और उसे कम्प्लीट करो. लाइक यू नो पिकअप टू और थ्री बुक्स, टू और फोर बुक्स, एंड यू नो मेक इट इन टू दैट. स्कूल में जैसे आर्ट क्लास होती है हफ्ते में एक बार, वैसे आप दिन में एक बार या हफ्ते में एक दो बार वो पकड़ के आप कर लो. वो कंप्लीट करना है मुझे, वैसा आप बना कर लो. इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आप टाइम टेबल बनाइए, एक सिलेबस बनाइए जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हो. स्कूल का टाइम टेबल होता है वैसे ही, आप खुद के लिए ये एक टाइम टेबल बनाएंगे. तो आई एम नॉट टेलिंग यू इन, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिलेगा. एंड फूड सप्लीमेंट, स्लीप, प्लीज स्लीप प्रॉपरली, कम से कम 8 घंटे की नींद लो आप. एंड सप्लीमेंट्स जो भी आपके डॉक्टर ने दिया है, खाने में जो भी आपके पेरेंट्स आपको दे रहे ही होंगे या डॉक्टर्स ने आपको जो भी यू नो दिया है, उसका एक आप अच्छा सा नो गो फॉर गुड हेल्दी मील्स. थोड़ा सा खर्चा इस दौरान करिए तो इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू नो इन द लॉन्ग वे. एंड दिस इज़ जस्ट अ समरी ऑफ वॉट एवर आई यूज टू डू, एंड आई होप आई हैव यू नो बीन एबल टू शेयर वॉट एवर माई फीलिंग्स towards garbh sanskar is, and I hope this has been beneficial to you. Do pass on to your friends and family. This is literally the summary of everything I read, everything I heard, and all the interviews I've taken of all the intelligent people, the smart people who have benefited out of garbh sanskar selling li thi. To jo bhi unka summary tha wo sara maine yahan pe dala hua hai. एंड डेफिनेटली गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें मैं जितना मुझे मिल रहा है ऑनलाइन, उतनी सारी चीज़ें मैं आपके लिए शेयर करूँगी वहाँ पर. तो गो हैड एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आपके गर्ल्स संस्कार के भी कोई ग्रुप्स होंगे तो उनके साथ भी ये शेयर कीजिएगा. आई ट्राई एंड पुट आउट मोर वीडियोज ऑन माई एक्सपीरियंसिस ड्यूरिंग दोज मंथ्स एंड हाउ आई वेंट अबाउट डूइंग ऑल दीज थिंग्स. बाय बाय.